कतार सभी गल्फ कंट्रीज में से एक बहुत ही छोटा देश है जो केवल 11,571 फीट में फैला हुआ है, जहां इस बार फीफा 2022 के मैचेस हो रहे हैं। कतार की खास बात यह है कि कतार में पॉवर्टी रेट बिल्कुल जीरो है। इसकी वजह कतार की कम पॉपुलेशन और ऑयल रिफाइनरीज है। फिलहाल कतार फीफा 2022 को होस्ट करने की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में है, और हो भी क्यों ना, आखिर कतार फीफा 2022 के लिए हर हफ्ते लगभग $500 मिलियन खर्च कर रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कतार ने इतना खर्चा किन चीजों पर किया है। कतार ने पिछले 10 सालों में दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत स्टेडियम्स बनाए हैं, जिनमें अल थुमामा स्टेडियम, स्टेडियम 974 और मशहूर अल जनूब स्टेडियम भी शामिल है। और ऐसे ही कई स्टेडियम्स बनवाए हैं जो अपने आप में बहुत खास है, और वो है स्टेडियम नंबर 8 अल बैत स्टेडियम। अल बैत स्टेडियम कतार के अल खोर रीजन में लोकेटेड है। ये स्टेडियम कतार की राजधानी दोहा से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्टेडियम को कतार के ओल्ड ट्रेडिशन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इस स्टेडियम को लेबनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है, और इसके डिजाइनर का नाम दर अल हंदासा है। इस स्टेडियम का लुक किसी टेंट की तरह नजर आता है, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज का ट्रेडिशन हुआ करता था। अल बैत स्टेडियम की वॉल्स को स्पेशल वोवन के टेंट फैब्रिक से बनाया गया है, जिसकी रूफ को ऑटोमेटिकली जरूरत के हिसाब से खोला या बंद किया जा सकता है। इस स्टेडियम में एक साथ 60,000 लोग बैठ कर मैच देख सकते हैं। इसके अलावा इस अल बैत स्टेडियम के अंदर शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट और 5-स्टार होटल भी मौजूद है, जहां से आप आराम से मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। इस स्टेडियम में एक साथ 6,000 कार्स, 1,000 टैक्सीज और 350 बसेस पार्क की जा सकती हैं। इस स्टेडियम का इनॉग्रेशन कतार के स्पोर्ट्स डे 11 फरवरी को किया गया था। अल बैत स्टेडियम को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट सिस्टम GSAS ने सस्टेनेबल डिजाइन का सर्टिफिकेट भी दिया है। इस शानदार स्टेडियम में फीफा के कुल 8 मैचेस खेले जाएंगे। नंबर 7 अल जनूब स्टेडियम। अल जनूब स्टेडियम कतार का बहुत ही मशहूर स्टेडियम है। इस स्टेडियम का इनॉग्रेशन 16 मई 2019 को किया गया था। ये स्टेडियम दोहा से सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पर अल वखरा शहर में मौजूद है। इस स्टेडियम को एक इराकी ब्रिटिश आर्किटेक्ट जहा हदीद ने AECOM कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। अल जनूब स्टेडियम को पोस्ट मॉडर्निस्ट और नियो फ्यूचरिस्ट डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसकी रूफ को धाओ बोट्स के डिजाइन की तरह बनाया गया है। इस अनोखे अंदाज की वजह से इस स्टेडियम में बैठे हुए लोगों को लगता है कि वो जैसे किसी शिप में बैठे हुए हैं। इस अल जनूब स्टेडियम में प्लेइंग ग्राउंड के अलावा शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, स्विमिंग पूल और वेडिंग हॉल्स भी हैं। इस स्टेडियम को अल वखरा स्टेडियम भी कहा जाता है। अल जनूब स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी 40,000 है, और इस स्टेडियम में फीफा के कुल 7 मैचेस खेले जाएंगे। नंबर 6 अहमद बिन अली स्टेडियम। अहमद बिन अली स्टेडियम कतार की राजधानी दोहा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर अल रयान सिटी में लोकेटेड है। इस स्टेडियम का नाम कतार के एक फॉर्मर एमिर अहमद बिन थानी के नाम पर रखा गया है। इस स्टेडियम को BDP पैटर्न ने डिजाइन किया है। अहमद बिन अली स्टेडियम को 18 दिसंबर 2020 को इनॉग्रेट किया गया था। इसी दिन कतार का नेशनल डे भी होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्टेडियम की आउटर दीवार पर LED लगाई गई है, जिस पर मैच के स्कोर्स और हाइलाइट्स दिखाई जा सकेंगी। इस स्टेडियम में एक साथ 45,000 लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा अहमद बिन अली स्टेडियम में कतार के कल्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। ऊपर से देखने पर यह स्टेडियम किसी फूल की तरह नजर आता है। इस स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टोटल 7 मैचेस खेले जाएंगे। अहमद बिन अली स्टेडियम को मल्टीपर्पज स्टेडियम भी कहा जाता है। फीफा के मैचेस की अलॉटमेंट होने से पहले ये स्टेडियम अल रयान स्पोर्ट्स क्लब का घर भी हुआ करता था। नंबर 5 अल थुमामा स्टेडियम। अल थुमामा स्टेडियम कतार के अल थुमामा टाउन में लोकेटेड है, जो राजधानी दोहा से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्टेडियम हमैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफी करीब बनाया गया है। इस स्टेडियम को कतार की फर्म अल जाबेर इंजीनियरिंग और तुर्की की टेकफेन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक साथ मिलकर बनाया है। अल थुमामा स्टेडियम का इनॉग्रेशन 22 अक्टूबर 2021 में किया गया था। इस स्टेडियम में एक साथ 40,000 लोग आ सकते हैं और मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। ये स्टेडियम एक पब्लिक पार्क के बीच में पूरे 50,000 स्क्वायर मीटर के स्पेस में बनाया गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस स्टेडियम को इस्लामिक कैप तकिया से इंस्पायर होकर बनाया गया है। तकिया टोपी एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट में बहुत मशहूर है। अगर आप इस स्टेडियम को ऊपर से देखेंगे तो आपको ये असल में तकिया टोपी की तरह नजर आएगा। इस स्टेडियम में बैठे हुए लोगों के ऊपर शेड रहता है, जिससे उन्हें धूप से बचाया जा सकता है। और तो और, इस पार्क की घास को स्पेशली स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया गया है। अल थुमामा स्टेडियम इस्लामिक और कतार कल्चर को दिखाने का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसके अलावा इस स्टेडियम का नाम अल थुमामा ट्री से इंस्पायर होकर रखा गया है, जो पर्टिकुलरली अल थुमामा रीजन में पाए जाते हैं। नंबर 4 एजुकेशन सिटी स्टेडियम।
एजुकेशन सिटी स्टेडियम कतार के अल रयान शहर में बनाया गया है, जो दोहा से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्टेडियम कतार फाउंडेशन एजुकेशन सिटी में बनाया गया है, जहां पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पहले से मौजूद हैं। एजुकेशन सिटी स्टेडियम में 40,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। इस अमेजिंग स्टेडियम को पैटर्न डिजाइन और ब्यूरो हैपल्ड फर्म ने पार्टनरशिप में बनाया है। एजुकेशन सिटी स्टेडियम की शेप ऊपर से देखने पर एक डायमंड की तरह नजर आती है, इसीलिए इस स्टेडियम को डायमंड इन द डेजर्ट भी कहते हैं। इस एजुकेशन सिटी स्टेडियम की सबसे हैरान करने वाली क्वालिटी ये है कि इसकी आउटर वॉल का कलर सूरज की बदलती रोशनी के साथ साथ अपना कलर भी बदलता रहता है, जो डेजर्ट में वाकई एक हीरे की तरह चमकता हुआ नजर आता है। इस फीचर को देखते हुए इसे डायमंड इन द डेजर्ट कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस एजुकेशन सिटी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के कुल 8 मैचेस खेले जाएंगे। एजुकेशन सिटी स्टेडियम का नाम दुनिया के एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेडियम में गिना जाता है। इसके अलावा इस स्टेडियम की सबसे अच्छी बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप के बाद इस स्टेडियम में कतार की विमेन फुटबॉल टीम को प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दी जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। नंबर 3, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम कतार का नेशनल स्टेडियम भी है। ये स्टेडियम कतार की राजधानी दोहा में बनाया गया है। वैसे तो ये स्टेडियम 1976 में इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन फिलहाल में ही इस स्टेडियम को 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए रिफर्बिश्ड किया गया है। ये स्टेडियम कतार का सबसे पुराना स्टेडियम भी माना जाता है। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम असल में कतार के फॉर्मर एमिर खलीफा बिन हमद अल थानी के नाम पर रखा गया है। ये खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम ऊपर से देखने पर एक आँख की तरह नजर आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इसकी यही शेप इस स्टेडियम को ठंडा रखने में मदद करती है। ये एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है, जिसमें शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और मॉल्स मौजूद हैं। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में एक साथ 40,000 लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। इस स्टेडियम में फीफा के टोटल 8 मैचेस खेले जाएंगे। नंबर 2, लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम। लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम कतार के कैपिटल दोहा से सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्टेडियम को HBK कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी और चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी CRCC ने जॉइंट वेंचर में कंस्ट्रक्ट किया है, और इस खूबसूरत लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम को एक ब्रिटिश फर्म फॉस्टर प्लस पार्टनर्स ने पॉपुलस के साथ मिलकर डिजाइन किया है। इस स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी 80,000 है। ये कतार का सबसे ज्यादा खूबसूरत और बड़ा स्टेडियम माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लुसेल स्टेडियम का डिजाइन कतार के स्पेशल हैंडक्राफ्ट बॉल से इंस्पायर होकर बनाया गया है, इसीलिए इस स्टेडियम की छत ऑटोमेटिकली खुल भी सकती है, जिसके बाद ये स्टेडियम सच में एक बड़ा सा बॉल लगता है। इस स्टेडियम की सबसे खास बात यह है कि ये स्टेडियम पूरी तरह से सोलर एनर्जी से वर्क करता है, और तो और इसका सुनहरा कलर दिन में तो चमकता ही है, लेकिन रात के वक्त ये गोल्डन कलर का स्टेडियम किसी बड़े जुगनू से कम नहीं लगता है। इस लुसेल स्टेडियम में फीफा के टोटल 10 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें फाइनल मैच भी शामिल है। आपको बता दें कि ये लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम कतार के एक ग्रेटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके अंदर पूरी लुसेल फ्यूचरिस्टिक सिटी आती है। नंबर 1, स्टेडियम 974। स्टेडियम 974 कतार की राजधानी दोहा के रस अबू आबूद रीजन में लोकेटेड है। ये स्टेडियम कतार पोर्ट के बहुत ही नजदीक बनाया गया है। इस स्टेडियम 974 को 30 नवंबर 2021 में ओपन किया गया था। इस स्टेडियम को दुनिया का सबसे अलग और यूनिक स्टेडियम कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेडियम अपने आप में बहुत खास है। चलिए आपको इस स्टेडियम की कुछ खास बातें बताते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्टेडियम पूरी तरह से रिसाइक्लेबल है। असल में ये स्टेडियम 974 शिपिंग कंटेनर से बनाया गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इस तरह के स्टेडियम के कॉन्सेप्ट को फैनविक इरी बैरन आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है। स्टेडियम 974 की सीटिंग कैपेसिटी 40,000 है। इस स्टेडियम में पर्टिकुलरली 4 कलर के कंटेनर्स का इस्तेमाल किया है। ब्लू कलर के कंटेनर्स में फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, येलो कलर बाथरूम के लिए है, और ब्लैक कलर के कंटेनर में प्रेयर करी जाती है। कोइंसिडेंस की बात यह है कि कतार का इंटरनेशनल डायलिंग कोड भी 974 है। इसके अलावा ग्रीन कंटेनर को मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज किया गया है। इस स्टेडियम में भी फीफा वर्ल्ड कप के 7 मैचेस खेले जाएंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड कप के सभी मैचेस खत्म होने के बाद ये स्टेडियम फिर से डिसइंटीग्रेट कर दिया जाएगा और कहीं और दोबारा से बनाया जा सकेगा। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।